फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिले हुए सूट से किस तरह से सलवार और कमीज दोनों चीज़ों का किस तरह से मेजरमेंट हम लेते हैं वो हम आपको लेकर के बताएंगे। मेजरमेंट लेने के लिए जो जो चीज़ों को हम मापेंगे वो लेंथ है, लंबाई, बॉटम जो घेर होता है, क्रॉस बैक तीरा, आर्म होल मुड्ढा, फ्रंट लेंगे तख्ती, नेक गला, छाती, वेस्ट कमर, हिप लेंगे, स्लीव्स की बाजू की लंबाई और उसका राउंड लेंगे। इसी तरह से सलवार में हम सलवार की लंबाई, बेल्ट, क्रोच जिसे कि हम आसन बोलते हैं, बॉटम राउंड जो कि सलवार की मोरी होती है, ये चीज़ें हम मापेंगे। सबसे पहले हम शर्ट की जो है लंबाई मापेंगे। इस तरह से ये जो हमारी सिलाई है जहाँ पे हमने दोनों शोल्डर जो है हमारे अटैच किए हुए हैं, यहाँ से हम अपना इंची स्टेप इस तरह से रखना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ तरह से रखेंगे। यहाँ तक जितना हमारा बन रहा है, ये हमारा इस तरह से 40.5 इंचेस बन रहा है। तो जो हमारी शर्ट तैयार है वो 40.5 इंचेस रेडी है। ये हम इस तरह से लंबाई जो हमारी है वो 40.5 इंचेस रेडी है। तो हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 3 इंच इसलिए करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ सिलाई में आएगा और जो 2.5 इंच है हम वो हेमिंग के लिए रखते हैं। तो हम ये पूरी जो लंबाई लेंगे वो हम 43.5 इंचेस लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 43.5 इंचेस। अब हम नेक्स्ट इसका बॉटम देखेंगे, घेर। घेर इस चीज़ को बोलते हैं जो हमारी कुर्ती का घेर होता है, वो ये चीज़ होती है घेर, हम इसको बोलते हैं। इसको भी हम इस तरह से इस कॉर्नर से इस तरह से रखते हुए यहाँ तक मापेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हमारा ये बन रहा है, ये हमारा ये देखिए यहाँ तक हमारा ये 19.5 इंचेस बन रहा है। हमारा जो घेर रेडी आ रहा है वो 19.5 इंचेस, इसका मतलब 19.5 इंचेस रेडी आ रहा है। ये हम डबल करके कटिंग करते हैं कुर्ती की इस तरह से। जब हम कटिंग करते हैं तो हम इस तरह से इसको डबल करते हुए कटिंग करते हैं। तो हम इसको जब इसलिए ये जो हमने इस तरह से बना रखा है, ये हमने कटिंग के लिए जिस तरह से हम डबल लेते हैं उस तरह से किया है। तो हम 19.5 इंचेस का जो है हाफ करेंगे पहले और उसमें 2 इंचेस मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये हमारा 19.5 का हाफ जो हो गया वो 10.25 इंच हो गया। 10.25 प्लस 2 हो गया हमारा 12.5 इंच, 11.75 इंचेस इस तरह से। नेक्स्ट जो हम इसमें मेजरमेंट लेंगे वो है हमारा क्रॉस बैक बोलते हैं इस चीज़ को। उससे पहले जो हमारा बॉटम घेर है वो हम यहाँ तक हम इसकी कटिंग 11.75 इंचेस करेंगे इस तरह से। अब तीरा है ये वाली चीज़। यहाँ जो हमारी सिलाई है, ये हमारी बाजू की सिलाई और जो कंधे की सिलाई है, इस सिलाई से यहाँ तक हम मापेंगे। यहाँ से इंची स्टेप रखते हुए यहाँ तक, ये देखिए हमारा 11 इंचेस बन रहा है। ये हमारा 11 इंचेस रेडी आ रहा है। दोनों तरफ से हमारा आधा आधा इंच सिलाई में भी आया है। तो 11 इंचेस में हम इधर से भी आधा इंच 1 इंच हम और ऐड करेंगे 11 में, तो वो हो गया हमारा 12 इंच। 12 इंच हो गया हमारा। जब हम कटिंग करेंगे तो हम इसका हाफ लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम ये देखिए 6 इंच हो गया हमारा, क्योंकि हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसको हम डबल करके, तो हम सभी चीज़ों में जो है हाफ लेते हुए चलेंगे। तो जो हमारा तीरा रेडी है वो हमारा 11 इंच है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे और उसका हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंचेस की जो है कटिंग करेंगे हम। अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्म होल, ये वाली चीज़। तो इसको हम किस तरह से मेज़र करेंगे, इस तरह से कोई चीज़ आप रखते हुए, ये देखिए ये जो हमारी सिलाई है, तरह से जो ये वाली सिलाई आती है, यहाँ तक आप इस तरह से कोई चीज़ रख लीजिए, उसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक मापिए। ये जो हमारी कंधे वाली सिलाई है, यहाँ से लेके इसको इस तरह से मापिए जितना आपका आ रहा है। ये देखिए 7.5 इंचेस हमारा आ रहा है। तो ये हमारी कटिंग आर्म होल की 7.5 इंच पे होगी। आर्म होल हमारा कटेगा 7.5 इंचेस पे। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रंट, जिसको हम तख्ती बोलते हैं। हम साथ साथ में आपको यहाँ पे भी बता देते हैं, तीरा हम इस चीज़ को बोलते हैं। तीरा हमारा कटेगा 6 इंच पे। वन साइड से ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे, 6 इंचेस पे हमारा तीरा कटेगा। और जो हमारा आर्म होल है वो 7.5 इंच पे। आर्म होल ये वाली चीज़ है, यहाँ तक
ये हमारा 7.5 इंचेस पे कटेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है फ्रंट। फ्रंट हम इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो हमारा जितना हमारा आर्म होल है उसका जो हमारा सेंटर, हम यहाँ पे 7.5 का जो सेंटर है यहाँ तक बन रहा है, तो हम इस तरह से रखते हुए ये हमारा देख लेंगे। इस सिलाई से लेके यहाँ तक जितना हमारा बनेगा, ये हमारा 11.5 इंच बन रहा है, तो उसमें हम 1 इंच जो है मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में आया है दोनों तरफ से। तो 11.5+1 इंच हो गया 12.5 इंच, तो हम इसका इस तरह से इसका हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 6.25 इंच। तो हमारा जो फ्रंट कटेगा वो हमारा 6.25 इंच पे कटेगा। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट है रेडी है 11.5 इंच, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए उसका हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 12.5 का जो हाफ हो गया वो आ गया 6.25 इंच, 6.25 इंचेस इस तरह से। तो ये हमारा जो फ्रंट है, यहाँ पे इस जगह को हम फ्रंट बोलते हैं, ये वाली चीज़ को, ये हमारा 6.25 इंचेस पे कटेगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है नेक। फ्रंट नेक देखेंगे हम कितना है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से रखते हुए जहाँ पे हमारा ये सेंटर आ रहा है इसका, इसी सिलाई से हम मापते हुए यहाँ तक, ये हमारा 6 इंच बन रहा है, तो 1/2 इंच हमारा ऊपर से जो है सिलाई में भी आया है, तो हम 1/2 इंच उसमें 6 में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 6.5 इंच पे कटिंग होगी। इस तरह से जो हमारे फ्रंट नेक की कटिंग होगी, एफ लिख रहे हैं इसको हम, ये हमारी 6.5 इंच पे कटिंग होगी इस तरह से। इसी तरह से हम नेक जो है विड्थ देखेंगे और बैक नेक देखेंगे। ये जो हमारी नेक की विड्थ है इसको हम इस तरह से देखेंगे, ये हमारा 6 इंच बन रहा है, 6 इंच हमारा रेडी है, तो हम 6 इंच में 1/2 इंच यहाँ से भी सिलाई में आया है, 1/2 इंच यहाँ से भी सिलाई में आया है, तो इसमें से जो है 1 इंच हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा 5 इंच आएगी। इसका मतलब ये जो कटिंग की हुई है नेक की, जो हमने विड्थ की कटिंग की है इसमें, वो हमारी 2.5 इंचेस पे हुई है। ऐसे विड्थ इतना ज़रूरी नहीं होता, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपरली बता रही हूँ। इस तरह से 2.5 इंच जो है विड्थ है हमारी। बैक नेक हम बाद में मेज़र करेंगे, पहले हम फ्रंट वाले सारे जो मेज़रमेंट है वो नोट कर लेंगे। अब हम छाती मापेंगे, जो हम छाती मापेंगे, छाती हम यहाँ से इस सिलाई से यहाँ से लेके यहाँ तक इस किनारे तक इस तरह से मापेंगे, ये हमारा बन रहा है 17.5 इंचेस आ रहा है इस तरह से, 17.5 इंचेस आ रहा है। छाती हम दो जगह से मापेंगे, अब यहाँ से हम 2 इंच नीचे, करीब 2 इंच नीचे यहाँ तक मापेंगे। अब ऊपर हमारा जो अपर बस्ट बन रही है वो हमारी 17.5 इंचेस बन रही है। इसी तरह से जो हमारे ये 2 इंच नीचे हम माप लेंगे, ये हमारा 18 इंच आ रहा है, तो ये हमारा 1/2 इंच का गैप पड़ रहा है। तो हम अपर बस्ट जो है हमारी 17.5, और साथ में इसी तरह से लिख लेंगे हमारा जो नीचे आ रहा है वो हमारा 18 इंच आ रहा है। इस तरह से यहाँ से हमारा 17.5 आ रहा है, और थोड़ा सा नीचे करते हुए यहाँ तक जो है हमारा 18 इंच आ रहा है। इस तरह से फिर हम शेप देते हुए कमर तक आएंगे। अब हम कमर मापेंगे, ये निशान लगाएंगे इस तरह से छाती का, और हम इसमें एक चीज़ और, इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। 17.5 हमारी रेडी आ रही है, तो हम 18 मान के चलते हैं, इसका भी हम हाफ़ करते हुए, जैसे हमारा 18 आ रहा है, 18 का हाफ़ करते हुए प्लस करेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए, तो ये हमारा बन जाएगा 9+2=11 इंचेस। तो हमारी ये जो कटिंग होगी वो हमारी डबल करते हुए 11 इंचेस पे होगी। इस तरह से हम कटिंग वाला हम बता रहे हैं आपको, 11 इंचेस पे होगी इस तरह से। अब नेक्स्ट हम वेस्ट देखेंगे इसकी। वेस्ट जहाँ से हमारा, ये देखिए शर्ट आपको अंदर यहाँ से दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरी तरह से कर्व बनी हुई है। वैसे भी जो नॉर्मली हमारा जो वेस्ट का जो साइज़ होता है वो 14 या 15 इंच पे आती है, तो हम इसको मेज़र कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी 14 इंच पे आ रही है, तो हम इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, 14.5 इंच, क्योंकि कटिंग करने के लिए हम 14.5 इंच लेंगे इसमें, और हम इसको मेज़र कर लेंगे, तो ये हमारी 16 इंच आ रही है। तो इस तरह से हम जब कटिंग करेंगे तो हम 16 का हाफ करेंगे प्लस 2 इंच मार्जिन, तो हमारी 10 इंच पे कटेगी कमर, और ऊपर से हमारी 14.5 इंच पे कटेगी। ये ऊपर से यहाँ से रखते हुए यहाँ तक जो है ये वाली चीज़ जो है ये हमारी 14.5 इंच होगी, 14.5 इंचेस होगी, और ये जो हमारा है यहाँ से कटेगा ये हमारा 10 इंच पे कटेगा यहाँ तक टोटल। ये हमारा जो हमने इस तरह से लगाया हुआ डार्क ये हमारी तैयार है, और ये वाला जो है डॉटेड में ये हमारे कटिंग के लिए, तो ये हमारा टोटल 10 इंच पे कटिंग होगी। अब नेक्स्ट हमारी आती है हिप। हिप हमारी ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी स्लिट जो खुली है यहाँ से लेकर के हम
इस साइड तक हम यहाँ तक इसको मापेंगे, इस तरह से ये हमारा यहाँ तक जो है 19.5 inches आ रहा है, तो हम इसका हाफ करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा बन रहा है 10.25 inches। तो हम जो कटिंग के लिए लेंगे वो 19.5 divided by 2 plus 2, तो ये हमारा बन जाएगा 11.75 inches। और जो हम ऊपर से यहाँ से हिप का जो निशान लगाएंगे वो भी किसी की 21 इंच पे आती है, किसी के 22 इंच पे आती है, अलग अलग से आती है। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ से इसी सिलाई से मापेंगे, यहाँ से नहीं मापना है, यहाँ से मापेंगे हम, यहाँ से रखते हुए इस तरह से हम इसको यहाँ से इस तरह से करके देख लेंगे, रख के देख लेंगे। ये देखिए मैंने पैन रखा है, तो ये हमारा 21 inches पे रेडी आ रहा है। इसका मतलब जो आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में भी आया है, तो जब हमने कटिंग की है इसकी तो हमने 21.5 inches पे की है, 21.5 inches पे की है हमने इसकी कटिंग। तो हम ऊपर से इसको रखेंगे 21.5 inches पे इस तरह से। अब नेक्स्ट हम इसमें मापेंगे बाजू, बाजू को हम इस तरह से रख लेंगे। अब हम बाजू को यहाँ से इस सिलाई से रखते हुए इंची टेप को इस तरह से मापेंगे, इस तरह से ये जो हमारी सिलाई है यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक मापेंगे, ये हमारी 17 inches आ रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से जो ऊपर से आधा इंच हमारा सिलाई में आएगा और 1.5 inches नीचे से, तो हम टोटल जो है 2 inches इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा नीचे से जो है तरपाई होगी और ऊपर से हमारा आधा इंच सिलाई में आएगा। तो हमारा 17 plus 2 inches होगा इसमें, 17 plus 2 inches हमारी जो बाजू कटेगी वो हमारी 19 inches लेंथ की कटेगी। ये हमारी बाजू की लेंथ आई है, इसके आगे हम लेंथ लिख देंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट इसमें जो मेज़र करेंगे वो हम इसका राउंड देखेंगे, जो हमारी आगे से इस तरह से बाजू की जिसको हम मोरी बोलते हैं, इस तरह से यहाँ से रखते हुए यहाँ तक हम मापेंगे इसको। तो हम इसमें भी जो है 1.5 inches का मार्जिन दे देंगे, 1.5 या 2 inches का। अगर आप 1.5 inches का मार्जिन दे रहे हो तो आपका 4 plus 1.5 ये हो जाएगा 5.5 inches, मोरी की तरफ से आपका जो है 5.5 inches की कटिंग होगी। अब हमारा शर्ट में रह गया है बैक नेक, बैक नेक को भी हम इसी तरह से मापेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को मापा है। बैक नेक को भी हम इस सिलाई से लेकर के यहाँ से शोल्डर से लेकर के यहाँ तक जो हमारा सेंटर आता है वहाँ तक हम मापेंगे इस तरह से रखते हुए। ये हमारा 7 inches आ रहा है, तो हमारा 1/2 inch जो है सिलाई में भी आया है। तो हम इसकी कटिंग जो है बैक नेक की 7.5 inches पे करेंगे। बैक नेक की कटिंग भी एज इट इज़ फ्रंट की तरह होती है। अब ये हमारा जो है शर्ट का पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जो हमारी छाती कटेगी वो हमारी 9 inches रेडी है और 2 inches मार्जिन आएगा, 11 inches की कटिंग होगी। इसी तरह से जो हमारी कमर है वो हमारी 8 inches मीन्स डबल हुई 8, और जब हम उसको खोलेंगे तो 16 inches बन रही है, टोटल 16 है। तो हम 8 inches डबल करते हुए 8 inches प्लस 2 inches मार्जिन 10 inches पे कटेगी। इसी तरह से जो हमारी हिप है, हिप हमारी जो कटिंग होगी, हिप की कटिंग भी हमारी 11.75 inches पे होगी, 2-2 inches का हम मार्जिन छोड़ते हुए चलेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट हम सलवार का मेजरमेंट लेंगे। हमने सलवार को इस तरह से बिछा लिया है, ये जो है क्रीज लाइन है हमारी सलवार की, ये जो हमारी मोरी की तरफ ये देखी, ये जो क्रीज होती है हमारी, ये हम इस तरह से यहाँ तक जहाँ हमारी ये क्रीज बन रही है हम ऊपर बेल्ट से लेके यहाँ तक इसको मापेंगे। ये इस तरह से ऊपर से इंची स्टेप रखते हुए यहाँ नीचे तक हम मापेंगे, ये हमारा यहाँ तक जो हमारा बन रहा है ये हमारा 39 inches बन रहा है। तो 39 inches हमारी जो है सलवार रेडी आएगी। तो हमारी सलवार की जो लेंथ रेडी है वो 39 inches रेडी है। अब हम बेल्ट है, बेल्ट का आप चाहो तो मेज़रमेंट ले सकते हो, या फिर आप जितनी आपकी हिप है उसमें आप 3 इंच जो है ऐड कर लीजिए। जैसे 19.5 inches रेडी है तो इसमें 3 inches ऐड कर लीजिए, जितनी रेडी हिप है उसमें करने हैं, इसमें ऐड करेंगे 19.5 inches में प्लस 3 inches, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 22.5 inches। 2 या 3 inches अपने अकॉर्डिंग, कोई लूज़ पहनता है कोई टाइट पहनता है, उस हिसाब से हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्रॉच। अब हम आसन देखेंगे, आसन यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक देखेंगे कितना बन रहा है हमारा इस तरह से। तो ये जो आसन है हमारा 13.5 inches रेडी आ रहा है।
आसन हमारा आ रहा है 13.5 इंचेस रेडी। और बेल्ट में आप चाहो तो बेल्ट की चौड़ाई देख भी सकते हो, अदरवाइज जो हम बेल्ट रेडी रखते हैं वो हम 6 इंचेस रेडी रखते हैं। हम इस तरह से बेल्ट का जो है मेजरमेंट कर भी लेंगे। ये इस तरह से हमारी 5.5 इंच जो है रेडी आ रही है। ये हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई रेडी है वो 5.5 इंच रेडी है। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारा रह गया अब है मोरी, सलवार की मोरी। सलवार की जो मोरी है हम इसको भी इस तरह से देखेंगे। यहाँ से इंची स्टेप रखते हुए यहाँ तक हम मेज़र करेंगे कितना हमारा बन रहा है। ये हमारा इस तरह से 6 इंच के आसपास आ रहा है, 6 इंचीज ले लेंगे हम इसको इस तरह से। 6 इंच से 1 पॉइंट हमारा कम आ रहा है, तो हमारी जो मोरी आ रही है वो हमारी 6 इंचीज रेडी है, रेडी आ रही है। अगर आप सलवार का जो मेज़रमेंट उस अकॉर्डिंग किस तरह से कटिंग की जाती है आप देखना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो के एंड में आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ये इस तरह से हमारा जो मेज़रमेंट की वीडियो है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।